देखो भाई, जब इसके अंदर पानी ना हो तो ये कितना हैंडी है, आराम से उठा के इसको ऊपर ले जा सकते हो। और मेरी सीढ़ियाँ देख लो। ओके रिपोर्ट, वो टकरा गया। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप लोगों ने मेरे को कमेंट करके कहा कि कहाँ पर वॉशिंग कराना सबसे ज़्यादा अच्छा है। गाइस, मैं आपको आज की वीडियो में ये नहीं बताने वाला हूँ कहाँ पर जाकर आप लोग वॉशिंग करा सकते हो, बल्कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग अपने आप कैसे वॉशिंग कर सकते हो। सो मैंने ऑर्डर किया था दिवाली के टाइम पे एक पोर्टेबल कार वॉशर, और फाइनली वो आ चुका है। सो इसके अंदर अभी पानी नहीं है, लेकिन ये दिखने में कुछ ऐसा दिखता है। तो आप लोगों को एक एक चीज़ इसके अंदर की दिखाया था कि कैसी दिखने में है, क्या क्या मिलती है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा मोटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को मिल जाते हैं, इधर ही पॉइंट मिल जाएंगे, दिख रहे हैं, और इसको कनेक्शन करो एंड देन यू आर रेडी टू गो। सो पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है जो कि बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी है। सो आज इसकी क्लीनिंग करेंगे, कैसे होता है सब कुछ, कैसे सब प्रोसेस रहता है, आज की इस वीडियो में बात कर रहे हैं। मुसाफिर की इस वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद इस बेल आइकन को दबाकर हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाए। तो आइए देखते हैं मुसाफिर की ये वीडियो। ओके गाइस, तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया था। सो इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहली चीज है, जैसे आप लोगों की ट्रॉली होती है खींचने के लिए, सेम चीज आप लोगों को इसके अंदर ऑप्शन मिलता है। इसी के साथ में नीचे की तरफ में जाओगे तो ऑन और ऑफ का बटन मिलता है। इसी के साथ में यहाँ पर एक वाई लीड होती है जो कि इसके अंदर लगती है। इसी के साथ में जो वाटर का पूरा आउटलेट रहेगा, एक पाइप आपकी यहाँ जाती है, एक मेन हब में डलेगी, एंड देन यू आर रेडी टू गो। क्वालिटी के बारे में बात करोगे तो फुल प्लास्टिक क्वालिटी है। और इसके साथ साथ में अगर बाई चांस आपको इसको पकड़ना है तो इसका ऑप्शन भी आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है वो दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप लोग देखते हो तो सबसे पहली चीज़ आप लोगों को गन मिलने वाली है जो कि एडजस्टमेंट वाली होगी। अगर आप लोगों को पूरा इसमें फ्लो एडजस्ट करना है तो उसका ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ साथ में ये आप लोगों का शैम्पू करने के बाद अगर आप लोगों को घिसना है अपनी गाड़ी को, जैसे मिट्टी और की इसको घिसना है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों को इसमें मिल जाएगा। आपको एक मैनुअल मिलता है जो कि चाइनीज़ में है, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं रहेगा। इसी के साथ में एक और आप लोगों को इसमें मिलता है जो कनेक्शन है, बेसिकली अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो तो इससे कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हो। बाकी गाइस, ये केवल अपर कंपार्टमेंट है, इसके बाद ये कंपार्टमेंट जाता है हट। तो नीचे की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर पूरी यही वाटर आउटलेट वाली वायर रहती है जिसको आप कनेक्ट करके वॉश कर सकते हो। इसी के साथ में जो मैं लीड के बारे में बात कर रहा था, वो लीड ये रहती है। अब गाइस, इसके मैं ड्यूरेबिलिटी के बारे में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है। एंड अगर इसको आप लोग देखते हो तो लैपटॉप का जैसे आपका चार्जर होता है उसी के पॉइंट के जैसा दिखने में है, बाकी वोल्टेज का फ़र्क रहेगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली जो आप लोगों की पूरा आउट, मतलब एक तरीके से कहते हैं मोटर वाला या सेटअप जो है, वो आपको इसके अंदर मिलता है। यहीं से ये पानी खींचता है और यहाँ पर आप लोग का आउटलेट है। तो इसका सबसे ईजी कनेक्शन कैसा है, देखो दूसरी तरफ में ये सिगरेट जो अपना आप लोग होल्डर देखते हो उसके अंदर ये लग जाएगा और उसी से कनेक्ट हो जाता है। जितनी आपकी गाड़ी की वोल्टेज होती है उतनी वोल्टेज से ये चल सकता है। यूसेज करके देखते हैं कि क्या ये सक्सेसफुल होता है या फेल, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जितनी मैंने इसकी वीडियोज़ देखी है, इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते हैं और सीधे इसके अंदर भरते हैं पानी को। भाई बारी आ चुकी है कि पानी भर के लेके जाए। तो देखो ऐसे मस्त तरीके से चलता है ये पूरा, और इसको पूरा स्लाइडिंग इसके अंदर टायर्स दिए हुए जिसकी वजह से और ड्यूरेबल बन जाता है। और बाकी अभी जो है इसके अंदर पानी भरना है हमने, देख लो मैंने इसको कितना फिल किया है। नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ, इसके ऊपर लगा रहा हूँ आधा वाला जो अपना पूरा आप लोगों ने देखा था कंपार्टमेंट, दूसरा वाला कंपार्टमेंट इसके ऊपर लगा रहा हूँ, और बाकी इसको उठा के ले चलते हैं। काफ़ी भारी हो गया वैसे ये, ठीक है आराम से लेके चलते हैं। सो गाइस, इसमें एक चीज़ आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, पहले की जो कंपार्टमेंट वाला पानी है मैंने उतना ही पानी भरा है, बाकी देख लो कितना पानी इसके अंदर डाला हुआ है। और इसको यहाँ पर मैं लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कुछ सामान रखना चाहो रख सकते हो। इसी के साथ में नेक्स्ट स्टेप जो है, सो आप लोगों को जो योली पाइप मिलती है, ठीक है, इसको मैंने इसका कनेक्शन इधर कर दिया। एक कनेक्शन मैं वहाँ से कर रहा हूँ, वो आप लोगों का मेन ही उसमें जाएगा जो आप लोगों का पूरा टब बना हुआ है। और उसके बाद जो कनेक्शन है जो मैंने इधर टांगे हुए, ठीक है, इस वायर को लगाते नीचे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई यहाँ पर इसको यहीं पर फिक्स कर रहा हूँ, ठीक है, देख लो लाल लाइट जल गई होगी। सो दूसरा जो कनेक्शन है वो हमारा जाने वाला है इस तरफ से, और इसको मैं अंदर लगाऊंगा उधर। तो अपने अकॉर्डिंग कर लो जितना करना है। जो वायर है वो काफ़ी लंबी है, देखोगे तो इतनी लंबी आपको वायर मिल जाती है। थोड़ा सा इसको और स्लाइड करना चाहो कर सकते हो पीछे अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ये पूरी आपकी फिट हो जाएगी, देख लो। और अगर आप लोग आवाज़ सुन पा रहे होंगे तो इसके अंदर मोटर ऑन हुई है, ठीक है, पानी आ गया होगा, देख लिया होगा आपने। सो इसके अंदर ही आपकी पाइप लगनी है और यहाँ से आपको पानी निकलता हुआ दिख जाएगा। सो गाइस, मैंने सारे के सारे सेटअप जो है वो अपने आप टेस्ट करके देख लिया, थोड़ा सा आप लोगों को दिख रहा होगा शैम्पू वैम्पू सब कुछ ऊपर। सो यहाँ पर अभी जो मैंने कनेक्शन किया हुआ है वो किया हुआ है इसके साथ। सो इसका यूज़ आप लोगों को बता देता हूँ। सो ये जो पाइप आ रही है नीचे से,
नीचे आके देखो, ठीक है, पाइप का कनेक्शन वहाँ पर दिख रहा होगा, ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर। इसी के साथ मैं आप लोगों को एक प्लस पॉइंट इसके अंदर बताता हूँ भाई, सब कुछ कंट्रोल करने का आपको ऑप्शन यहाँ से मिलता है। इसके अंदर आप लोग ये जो आपको कैप दिख रही है इधर, सर्फ या शैम्पू डालना चाहे, मैं अभी सर्फ डाल के साफ़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक बार चेक करना है कि इससे क्या सफाई आती है। इसी के साथ में अगर इसका कनेक्शन आपको हटाना है तो यहीं से कनेक्शन हट जाएगा, ईजिली हट जाता है। अपना थोड़ा हाथ बचा लेना, हाथ कटने के चांसेज होते हैं। तो यहाँ पर गन है जिसमें आप लोगों को स्प्रेड वाला ऑप्शन मिल जाएगा, स्ट्रेट वाले मिल जाएगा। मेरे को हमेशा से स्प्रेड वाला पसंद है क्योंकि स्ट्रेट वाले में ज़्यादा मज़ा आता नहीं है, स्प्रेड वाले में मज़ा आता है। तो आप लोगों को दिखा दूंगा कैसा रहता है वो सब, लेकिन उससे पहले इसका एक बार ये आप लोगों को यूसेज करके दिखाता हूँ। सो जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी और तार देखो कितनी लंबी है, देख रहे हो पूरी खिंचती जा रही है तार, इतना दूर तक मैं पूरा आ सकता हूँ और बिल्कुल परफेक्ट है इसके अंदर। तो हमारा जो पीछे मुसाफिर वाला है इसी को साफ़ करते हैं, या फिर ये देख लो स्विफ्ट वाला जो है, तो इसको दबाना है, बस इसको दबाना है, ठीक है। और देखो नाप की इतनी कोई मेहनत लगनी है इसमें, और शैम्पू से या फिर आप लोग अगर चाहो तो कोई भी तरीके का आपके पास डिटर्जेंट हो अच्छा वाला, जो जो गाड़ी के लिए अच्छा रहे वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो भाई देखो एक बारी कितने हद तक साफ़ हो गया, और बाकी जो है आप लोगों को जहाँ जहाँ मारना है मार लो। और मोटर चल रही है देखो, जितनी बार ये ऑन होता है देखो मोटर चलती है यहाँ पर। परफेक्टली साफ हो रहा है सब कुछ, देखो जितनी तरीके की गंदगी है वो सारी आपकी गाड़ी से हट जाएगी। सो गाइस पहला वाला प्रोसेस ख़त्म हो चुका है जिसमें आप लोगों ने पूरा मेरे को ब्रश वाले से साफ करते हुए देखा। नेक्स्ट प्रोसेस इसकी गन वाला करें, और मैं इसमें स्प्रेड वाला यानी कि पानी जिसमें फैलता है बोला यूज़ करूँगा, उससे पानी भी बचता है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपनी गाड़ी को साफ़ कर सकते हो। सो इसको फिट करने का तरीका क्या है, इसको पीछे की तरफ किया, इसको ऐसे करके लगाया और ये परफेक्टली टाइट। और बाकी इसका यूसेज हम लोग करते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और अब मैं कैमरा उठा रहा हूँ क्योंकि कैमरे को मैं लेके जाऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे वॉशिंग होती है। पूरी गाड़ी को देख लो एक बारी, अभी पूरा जो है अपना डिटर्जेंट डाल के साफ़ किया, पानी मारा और अच्छी तरीके से बिल्कुल क्लीन किया मैंने। अलॉयज भी जो है अपने सही से क्लीन किया। सो आप लोगों को एक ओवरव्यू इस पर देखने को मिल जाएगा। लेकिन नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग चेक करने वाले हैं कि कितना पानी अभी बैठा हुआ है या फिर बचा हुआ है हमारा इसके अंदर, तो इसको हटाते हैं। तो देखो अभी आधा पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है एंड मोस्ट प्रॉब्ली क्लीनिंग वाला काम हो जाएगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग यार इसमें आराम से आप लोग पूरा फोम वाला जो वॉश होता है ना वो भी इसके अंदर करके कर सकते हो, और उसके बाद आपकी गाड़ी की धुलाई भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो इसको डाल देते हैं वापसी और गन को उठाते हैं। और एक चीज़ जब भी कभी आप अगर ख़रीदते हो तो भाई ये जब भी यूज़ नहीं कर रहे हो ऑफ़ कर देना, नहीं तो पानी निकल के आता है। तो मोटर ऑन हुई है, ठीक है, चलते हैं अपनी गन की तरफ। और यहाँ देखो सही तरीके से पानी मार रहा हूँ बिल्कुल हर जगह, और यहाँ से मेरी वायर आई हुई है। अब गाइज इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें आपका ज़्यादा पानी नहीं लगता है और गाड़ी जो है वो सही तरीके से क्लीन हो जाती है। अगर आप लोग स्ट्रेट बीम वाला रखोगे तो उसमें क्या होता है पानी ज़्यादा लगता है और पानी जल्दी ज़्यादा ख़त्म होगा, इसके अंदर वो चीज़ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। देखो परफेक्टली बिल्कुल क्लीन होगा, और लास्ट में आप लोगों को कपड़ा मारना पड़ेगा अगर आप गाड़ी से अपनी प्यार करते हो, क्योंकि मैं तो अपनी गाड़ी में पक्का कपड़ा मारूंगा ही। और सही से पूरे अलॉय भी चमकने चाहिए क्योंकि यही अपनी गाड़ी की सबसे ज़्यादा शान बढ़ाते हैं। तो नीचे की तरफ अगर आप लोग चाहो तो इसमें आप लोग ज़्यादा तेज़ वाला मार सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं केवल आज इस वीडियो को बना रहा हूँ जिससे मैं आप लोगों को एक आइडिया दे सकूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमने अपना पूरा सेटअप करवाना है, हमें सफाई करवानी है, तो भाई बाहर जाके रोज़ के 250 रुपये खर्च करने से अच्छा है कि भाई एक बारी अपनी गाड़ी में ये ख़रीद के रख लो और जब भी वॉशिंग करनी है तब आप लोगों को एक अच्छा फिक्स मिल जाएगा। तो भाई एक तरफ से तो पूरी गाड़ी साफ़ हो चुकी है, अब दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा आगे की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे देखो
अब मैं आप लोगों को इसमें स्ट्रेट वाली चीज़ भी दिखाता हूँ। ऐसे नॉर्मल दबाने में आपका ये खुलता है, अगर आप इसको देख रहे हो पूरा स्ट्रेट दबा दोगे तो एक स्ट्रेट वाला देखो कितने दूर से आ सकता है, कितने दूर से मार रहा हूँ अब देखो। सो मेरी पूरी तार खिंच गई है वहाँ से देख रहे हो, और परफेक्टली पानी बिल्कुल गाड़ी के ऊपर आ रहा है। लेकिन हम लोग, मैंने आपको यकीन बताया कि भाई पानी सेव करो, क्योंकि पानी की शॉर्टेज वैसे ही दिल्ली में बहुत ज़्यादा रहती है। सो अगर आप लोगों को तेज़ वाली बीम मारनी भी है तो वो इधर मारो। और इधर आपको मारने के लिए केवल यही काफ़ी है। ओके, रिपोर्ट तरीके से गाड़ी को साफ कर देगा ये। ओके गाइस, तो फाइनल एक बार ही आप लोग व्यू देख लो कि कैसी आप लोगों को आपकी गाड़ी देखने में लग रही है। और इसमें मैंने अभी बहुत कम फिक्सेस किए थे, सो ये बेसिकली जगह रखने के लिए ही बनाई गई है। सो अपना इसको भी रख देते हैं, ठीक है, जब आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो इनको इधर रख दो। और गाड़ी साफ़ होने के बाद कुछ ऐसी लगती है, इसके बाद इसको एकदम पूरा कपड़ा मार देंगे, साफ़ कर देंगे, जिससे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, बढ़िया दिखे। और एक चीज़ और, अगर आप लोग चेक वाइज देखना चाहते हो तो अगर आप लोग इधर देखोगे कि कितना पानी अंदर आया, तो अंदर एक ड्रॉप भी नहीं है पानी की, क्योंकि परफेक्टली गाड़ी पूरी बंद थी। और देखो आपकी वायर यहाँ से निकली हुई है, परफेक्ट कनेक्शन था। थोड़ा ध्यान रखना जब भी कुछ काम करा रहे हो। और बाकी जो ओवरलुक मैं आप लोगों को दे सकता था मैंने दे दिया है। सो भाई अब जाके इसका पूरा पानी ख़त्म हो गया, और देखो और मोटर से आवाज़ आ रही है, सुन रहे हो, इतना हल्का हल्का पानी आ रहा है। तो अंदर देखते हैं, देखो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है पानी। सबसे ज़रूरी चीज़, इसको करो बंद, इसको करो रिमूव, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसको रख दो अंदर, क्योंकि भाई ये चीज़ जो है शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, लेकिन स्टिल अगर इसकी लाइफ बढ़ाना चाहते हो तो ये कर लेना। बाकी जो है गाड़ी पूरी साफ़ हो चुकी है, एक बार बस मैं कपड़ा मारूंगा और मेरी गाड़ी ओके रिपोर्ट हो जाएगी। आप लोग सोच रहे हो कि ये सब चीज़ें करने के बाद आपको कपड़ा नहीं मारना पड़ेगा, तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं मारोगे तो इसके ऊपर मिट्टी बैठ जाएगी। सो इसके ऊपर अच्छी तरीके से कपड़ा मारो और गाड़ी जो है आपकी चमक जाएगी बिल्कुल। सो भाई पूरा कपड़ा हो चुका है गीला, और जितनी मैं गाड़ी साफ़ कर सकता था मैंने कर दी है। एक बार देख लो गाड़ी को और कितनी क्लीन हुई है, आप लोग ज़्यादा कमेंट करके मेरे को बता पाओगे कि कितनी अच्छी तरीके से क्लीन हुई है। वैसे मेरी तरफ से मैंने पूरा 100% दिया, इट वाज़ फर्स्ट टाइम कि मैं अपनी गाड़ी साफ़ कर रहा था और वो हो पाया केवल इसकी वजह से। और गाइस अगर आप लोगों में से किसी को भी जानना है कि भाई मैंने कहाँ से इसको परचेज़ किया, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं बताने वाला हूँ। बाकी जितना थोरली मैं इसको क्लीन कर सकता था मैंने कर दिया। ऊपर से थोड़े से पेड़ के ये अपने फूल वूल गिरते रहते हैं, इसके वजह से थोड़ा सा गंदा हो जाता है, नहीं तो वैसे बाकी पूरा नीट एंड क्लीन हो चुका है। जो दिक्कतें आप लोग ज़रूर फेस करोगे वो है ये मिट्टी। सो जब इसका कनेक्शन कर रखा होगा ना पाइप से, जो अभी नीचे गिरा हुआ है, तो आपको ये मिट्टी बहुत नॉर्मल सी चीज़ें तो देखने को मिलेगी। और मैंने एक स्कूटर के ऊपर रखा था, तो ये मिट्टी आप लोगों को ज़रूर मिलेगी भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर पूरी रोड़ियाँ पड़ी है, मिट्टी पड़ी हुई थी जहाँ पर मैं क्लीन कर रहा था, लेकिन स्टिल आप लोग जो है इसको कर सकते हो। जो ये पाइप है ना इसको सही से साफ़ कर लेना। बहुत ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरफ कहीं भी पानी ना जाए, अगर इस तरफ पानी जाएगा तो ये मोटर ख़राब हो सकती है। बाकी जहाँ तक का इसका आउटपुट है भाई ओके रिपोर्ट है, और ये भी ओके चला है। इसमें भी थोड़ी मिट्टी लग गई है क्योंकि ये बाहर था, तो इसको लेके चलते हैं अंदर। भाई अंदर से तो गाड़ी अभी गंदी हो ही रखी है, अंदर से तो वैक्यूम क्लीनर मारता हूँ मैं इसमें। तो बाकी इसको रैप अप करते हैं और इसको ऊपर लेके जा रहा हूँ। इस पर पानी वाले में नहीं डाल रहा इसको मैं अभी। सो ठीक है गाइस, करते हैं इस वीडियो को एंड। तो गाइस जब आप इस ब्लॉग को देख रहे हो तो भाई उस टाइम पे मेरा जो गला है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज की वीडियो में आप लोगों को थोड़ी सी आवाज़ भी बैठी हुई सी भारी सी आवाज़ लग रही होगी, और उसका रीज़न केवल यही है कि यार थोड़ा गले की प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हो जाएगा ये भी ठीक। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोगों को इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है क्या रेटिंग मैं देता हूँ इसको, सो मैं 9 out of 10 इसको देना चाहूँगा। एक क्यों मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप लोग गन यूज़ करते हो तो उसमें काफ़ी पावर लगती है और उंगलियों में दर्द हो जाता है, जो कि मेरे को एक थोड़ी सी कमी लगी, कमी नहीं कहूँगा लेकिन इसको मेरे को लगा पर्सनली जो चीज़, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। इसी के साथ में गाइस अगर आप लोग मेरे से पूछते हो इसका प्लस पॉइंट क्या है, इट्स अ पोर्टेबल कार वॉशर यार। इसको आप कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो जहाँ पर आपको वॉशिंग नहीं मिल सकती है, या फिर आप लोग एवरी संडे अपनी गाड़ी को खुद साफ करना चाहते हो, तो आपके पास एक ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि इससे काम बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोड रहता है कि भाई गाड़ी जाके छोड़ के आओ, वहाँ पर क्लीन होगी, कहीं पानी अंदर ना डाल दे, मैं यही साफ करना चाहता हूँ, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हद तक इसके अंदर आप लोगों को फायदा रहता है, या फिर कह सकते हैं प्लस पॉइंट है। इसी के साथ में अगर इस परचेस करना है इस प्रोडक्ट को आप लोगों को, तो नीचे आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाला हुआ है। एंड अगेन इसमें भी आप लोगों की चॉइसिस है, मैं अपना रिव्यू दूंगा आफ्टर 3 या 6 मंथ्स के
अंदर मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अगर कुछ खराबी हुई, कुछ प्रॉब्लम आई तो मैं आप लोगों को पहुँचा दूंगा। और इसमें और भी मॉडल्स आते हैं जिनमें मोटर अलग से आती है, भाई वो मत परचेज़ करना, फालतू में एक एक्स्ट्रा मोटर रखो अपने पास। इसी के साथ में ऑप्शन का क्या मिलता है, बॉश की खरीद लो। और सबसे मैं ज़्यादा सुनी है वो बॉश वाली है, कि बॉश वाली बहुत अच्छी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली इंडिया में। सो भाई नीचे लिंक से खरीदोगे अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगी। मेरे को दिवाली में मैंने इसको परचेज़ किया था और मेरे को अच्छे खासे ऑफर मिल गए। सो गाइस इसी के साथ आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। किसी पॉइंट में वीडियो इन्फॉर्मेटिव बढ़िया और लगाओ कि हाँ भाई गाड़ी बिल्कुल बढ़िया साफ हो गई है, तो वीडियो को बिना लाइक शेयर कमेंट करें मत जाना। जहाँ पर आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया तो भाई वहाँ पर सब्सक्राइब करके भी भाई थोड़ा सा प्यार और दिखा दो, क्योंकि बहुत जल्दी हम लोग हिट करने वाले हैं 7 लाख फैमिली मेंबर्स। एंड ये सब कुछ हो रहा है आप लोगों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने फुल सपोर्ट मुसाफिर के चैनल को दिया हुआ है। इसी के साथ में मुसाफिर को इंस्टाग्राम में फॉलो करना है, लिखिए MUSAFIR7811 यानी कि MUSAFIR7811। फेसबुक में फॉलो करना है, लिखिए मुसाफिर आका जोशी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं। अगर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन दिमाग में हो, इससे रिलेटेड हो या फिर गाड़ी से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो भाई मेरे को जाके मेल करो। मेल में रिप्लाई नहीं आता तो इंस्टाग्राम में आ जाओ, इंस्टाग्राम में रिप्लाई नहीं आता तो मैसेंजर में जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। ट्राई पूरा करता हूँ, कोशिश पूरा करता हूँ कि आप लोगों के सबके कमेंट के जवाब दे सकूँ, मैसेजेस के जवाब दे सकूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है भाई कि नहीं हो पाता। आई होप कि यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।